आखिर क्या वजह है? उन लोगों का कहना है कि हर बार हमारे पिताजी भी आते थे, पारिवारिक रिश्ता है मेरा राघोपुर से, लेकिन क्या मतलब ऐसा है कुछ यहाँ पे? देखिए, पारिवारिक रिश्ता तो कहते हैं लेकिन निभाए कभी नहीं। यहाँ के विकास से मतलब नहीं रखे, यहाँ के सुख दुख से मतलब नहीं रखे। कोई लोग यहाँ से उनके दरवाजे पे गए तो एक गिलास एक लोटा पानी की बात तो छोड़िए, मिले तक भी नहीं। आज देखने ना, आप तो यहाँ थे ना, लोगों की आवाज़ क्या थी? लोग यहाँ तो कह के गए थे कि हम चुनाव जीत के जाएंगे तो राघोपुर कि हम बासी बन जाएंगे, घर बना लेंगे। घर बनाए क्या? विकास का कुछ? रेल का दोहरीकरण कराया गया एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री जी यहाँ देख, जितनी बातें हैं विकास का, इधर से सिक्स लेन बन रहा है, NH हो गया, घर घर बिजली पहुंच गई, सड़क बनी है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन से गैस कनेक्शन गया, जनधन खातों में कोरोना काल में पैसा आया, तो लोग देख रहे हैं शौचालय बने। तो यह विकास के काम लोगों को भा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम और नीतीश कुमार जी के विकास का काम लोगों को बहुत बड़ा सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी इस देश में विकास की धारा बहा रहे हैं। नहीं जीतेंगे तो क्या बनेगी, ये तो बड़ा सवाल हो जाएगा। सरकार बनने का सवाल कहाँ है? सरकार बनना ही नहीं है, 2/3 बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। जदयू के मंत्री है वो चिराग पासवान को जमपुरा बता रहे हैं। देखिए, 2/3 बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ 4 क्रांतियाँ होगी, संकल्प आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें बिहार भी आत्मनिर्भर बनेगा। औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से बिहार का तकदीर बनेगा।